हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित। आज खड़े हैं नव आकाश एकेडमी महेंद्रगढ़ हरियाणा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से चयनित जो विद्यार्थियों का यहां पर रिजल्ट भी लिखा हुआ है। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि ये जो सड़क आप देख रहे होंगे, ये सड़क जाती है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर और ये है सैनीपुरा मोहल्ले वाली जो सड़क है वो। हम खड़े हैं नियर सैनी हाई स्कूल के पास, सैनी हाई स्कूल के पास की ये जगह है और यहाँ पर इसी मेन सड़क के ऊपर हम लोग खड़े हैं। और इस सड़क के ऊपर हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि नव आकाश अकेडमी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज हम एक बार यहाँ पर विजिट करते हैं और विजिट करके सब कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में कि इस अकेडमी के अंदर किस किस प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं और कौन कौन सी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। जैन सर नमस्कार। सर यहाँ पर हमारे साथ अभी सुरेश जी जो हैं इस एकेडमी के जो डायरेक्टर हैं, इस एकेडमी के जो चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन सर हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत जी और आपके दर्शकों को जी। सर तो कौन कौन से कोर्सेज आप करवाते हैं? IMC देहरादून मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये जो सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होता है उसकी जो एंट्रेंस जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी करवा। तो फिर बच्चे यहीं पर रखते हैं? हाँ जी सर, यहीं हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, कुछ बच्चे अप डाउन भी करते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये यहीं पर होंगे, अभी तो क्लास चल रही होगी ना? क्लास चल रही है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। तो यहाँ ये ऑफिस है नव आकाश अकेडमी का, बच्चे किधर है सर? क्लासरूम। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए सर। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं महेंद्रगढ़ शहर के अंदर हम हैं और नव आकाश अकेडमी जो है उसको हम दिखा रहे हैं। ये शायद ये हॉस्टल आ गए सर, ये हॉस्टल है। हॉस्टल में आप देख सकते हैं कि जो सुविधाएं आपको दिख रही है, जैसे सर्दी के लिए कंबल या फिर जो गद्दे वद्दे सब बच्चे यहाँ पर रहते हैं। साफ़ सुथरा ये हॉस्टल का जो रूम है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और यहाँ पर अब हम और भी अंदर आ गए, यहाँ पर भी हॉस्टल का कुछ बना रखा है। जैन सर कैसे हैं? आपका क्या नाम है सर? आवा सिंह। आवा सिंह जी, आप यहाँ कैसे? सर मैं यहाँ टीचर हूँ। तो ये यहाँ टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप भी क्लास में नहीं? अभी सर मेरा वैकेंट पीरियड है। अच्छा, वैकेंट पीरियड है, चलिए ठीक है सर, बैठिए आप। ये भी हॉस्टल है सर। तो ये हॉस्टल के कुछ रूम्स यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। देखिए कितने बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरामैन साथी से अनुरोध है कि एक बार वो दिखाए कि कितने ज़्यादा यहाँ पर अपने आप में बेडरूम के अंदर, ये क्या बोल सकते हैं, बेड्स बोल सकते हैं, कितने बेड यहाँ पर लगे हुए हैं। आइए आपको और भी हम दिखाते हैं यहाँ का जो कैंपस है उस कैंपस को। सैनिक स्कूल, RIMC और इनकी तैयारी करवाने वाला ये संस्थान है। ये क्लासरूम आ गया सर, है ना? एक मिनट अंदर चले अपन। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून भैया, बैठो एक बार। तो ये यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की क्लास है। क्लासरूम के अंदर आ गए सर, आप एक बार इधर आ जाओ। आशीष कौशिक कैमरामैन के साथ आप देख रहे हैं नव आकाश अकेडमी महेंद्रगढ़ को और मैं अभी हम क्लासरूम के अंदर पहुँच गए। सर आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक जी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? SS सर। SS जी, सोशल साइंस। सोशल साइंस। अच्छा, ये जो बच्चे हैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास? सर ये RIMC और मिलिट्री और नवोदय के लिए कोचिंग कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब तीनों जो एग्ज़ाम है उनका मिक्स सिलेबस वगैरह होता है वो पढ़ाते हैं। अच्छा, आप में से कोई साथी ये बताए कि आप कहाँ से हैं? रेवाड़ी। रेवाड़ी से हो? और यहाँ पर पढ़ रहे हो? हॉस्टल में रहते हो? बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है जी? साहिल। साहिल, क्या करते हैं आप बेटा भैया? सैनिक की तैयारी। हाँ जी, सैनिक के लिए। आप सैनिक की तैयारी करते हो? क्यों भाई, सैनिक ही बनना चाहते हो क्या? आर्मी में जाना चाहते हैं। आर्मी में जाना चाहते हो? तो आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? देश की सेवा के लिए। देश की सेवा करोगे, बाकी कद तो अच्छा खासा है। बैठो आप। और कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो? अच्छा, एक विशेष बात मैंने नोट करी, आप कहाँ से बता रहे हो आप? दिल्ली। दिल्ली से?
तो महेंद्रगढ़ शिक्षा का हब अपने आप में बन चुका है, ये बात सार्थक यहाँ पर होती आ रही है नज़र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हैं बच्चे बैठे हैं, ये इस बच्चे ने बताया रेवाड़ी से, दूसरे बच्चे ने बताया दिल्ली से, और एक आध साथी और बता दो भाई, तुम कहाँ से हो? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? आर आई एम सी की, बहुत अच्छी बात है। और आप कहाँ से हो? रोडवाल से। ये कहाँ है? नीमराणा के पास। नीमराणा के पास, मतलब राजस्थान से आप, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हो भाई? बवानिया से। बवानिया से, लोकल गांव से, मतलब हर तरीके से आप राजस्थान से भी देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे दिल्ली से भी देख सकते हैं, और हरियाणा महेंद्रगढ़ बवानिया से भी हैं। बैठिए आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप कल क्लास कंटिन्यू कीजिए, माफ़ी चाहेंगे, हम तो बस यूँ बच्चों से मिलना चाहते थे एक बार जी। तो अभी नव आकाश अकेडमी क्लास में, ये भी एक क्लास रूम है, लेकिन यहाँ पर सर आगे चले गए जी। सर बताएं जी, ये सारी क्लासरूम है? अच्छा, ये भी क्लासरूम है, ठीक है। हाँ जी, मैं आई कम इन मैम जी। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, डाउन प्लीज। किस चीज़ की क्लास ले रहे हो आप लोग? अच्छी बात है, लेकिन पहले मैम से बात करते हैं। मैम आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कंचन है। कंचन, आप यहाँ इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आते हैं? यस सर। कितने बजे ड्यूटी कर रहे हैं? सर मैं 8:30 बजे आती हूँ और 3 बजे यहाँ से जाती हूँ। मतलब रेगुलर क्लासेज आप? रेगुलर क्लासेज हमारी टाइमिंग है 8:30 से 3 तक। आपका सब्जेक्ट? साइंस। साइंस, बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चे मेहनत करते हैं? यस सर बिल्कुल, मेहनत क्यों नहीं करेंगे, मेहनत करने के लिए तो आए हैं यहाँ पे जी। बहुत अच्छी बात है, जब आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनको करना बनता ही है, और करनी भी है भाई मेहनत आप लोगों को, ठीक है। अच्छा ये बताएं, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन किस प्रकार? रिजल्ट सर फिलहाल 80% बच्चे आपको लगता है? हाँ बहुत अच्छे, मेरे अकॉर्डिंग 80% तो है। बहुत अच्छी बात है, बाकी अभी मैम ने बोल दिया है 80%, अब आप लोगों के हाथ में, इसे 90 और 100 भी कर सकते हैं, मैं 60 की नहीं कहूँगा, ठीक है। आप लोगों के हाथ में अगर आप चाहो तो सबके सब का सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा उस क्लास में भी हमने पूछा था, और कुछ बच्चों को हमने आपसे मिलवाया था, वो अलग अलग जगह से थे। कोई भी जो कैंडिडेट यहाँ से नहीं हो, महेंद्रगढ़ से नहीं हो, बताए भी कौन कहाँ से है? कोई दूसरे शहर से हो, कोई दूसरे ज़िले से, राज्य से हो? हाँ जी, कहाँ से हो आप? हिसार से। वेरी गुड। आप? दादरी से जी। आप कहाँ से हो? राजस्थान से। आप? यूपी से। मतलब राज्य के हर कोने से, और कह सकते हैं देश के भी हर कोने से, क्योंकि राजस्थान के बच्चे भी बैठे थे और हरियाणा के बच्चे बैठे हैं, यूपी के बच्चे बैठे हैं। हाँ जी आप कहाँ से हो? सर मालडा से। और महेंद्रगढ़ मालडा से भी बच्चे बैठे हैं। मालडा की हमने काफ़ी न्यूज़ बनाई है, आप देख सकते हैं, मालडा की सड़कें भी टूटी पड़ी हैं, गौरव मालडा न्यूज़ हत्याकांड भी हमने उसमें दिखाया है। आप कहाँ से हो बेटा? महेंद्रगढ़ से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो। कब से आ रहे हो यहाँ पर आप? सर 8 months। 8 months, 8 महीने से आप यहाँ पर हो, पढ़ाई अच्छी हो रही है? यस सर। अच्छा हॉस्टल का कौन बच्चा है? सारे हॉस्टल के होंगे जो खड़े हैं सभी। हाँ तो खाना वाना कैसा मिलता है? हाँ जी सर अच्छा मिलता है। अच्छा मिलता है? यस सर। टाइमली मिलता है? यस सर। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? नो सर। सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर? सर सही है, सब सही है। अच्छा आप बैठो, क्या पता आप ऐसे ही बता रहे हो, इनको दिक्कत हो रही हो। हाँ जी आप ये बताओ कि यहाँ पर आपको खेलने से संबंधित या कुछ इस तरह की एक्टिविटी संबंधित ग्राउंड वगैरह उपलब्ध है? सर यहीं पर है, कहीं दूर है? सर यहीं पर है। कहाँ पर है? ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ पर है सर ग्राउंड? कहाँ पर है ग्राउंड? दिखाओ सर आप। चलिए ग्राउंड दिखाते हैं अब आपको। ये इधर भी हॉस्टल है ना शायद? जी सर। कुछ अलग अलग क्लासरूम्स में, मतलब क्लासेस चल रही हैं, और कुछ रूम ऐसे हैं जो आपने यहीं पर हॉस्टल के कर रखे हैं, और ये वॉशरूम वगैरह की जो सुविधाएं हैं बेसिक्स जो हैं वो हैं ही। ये शायद किचन है? ये किचन है, किचन है। ये बर्तन अच्छा, के लिए उधर। अच्छा ये बर्तन के लिए किचन है, और उधर जो है वो खाना बनाने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए सर ग्राउंड पर चलते हैं एक बार। आइए अभी हम आपको दिखाएंगे नव आकाश अकेडमी महेंद्रगढ़ का ग्राउंड, खेल ग्राउंड। तो अभी हम आ गए हैं खेल ग्राउंड में, जो नव आकाश अकेडमी का खेल ग्राउंड है उसमें हम पहुंच चुके हैं। ये है नव आकाश अकेडमी का खेल ग्राउंड जी। यहाँ पर बच्चे खिलाते हो आप? एक्टिविटीज जो भी करवाते हो यहाँ पर करवाते हो सर? सुबह 1 घंटा शाम को। 1 घंटा सुबह 6 से 7 बजे तक, और शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक। किस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हो जी? बच्चे जैसे थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं, खेल लेते हैं,
आपस में थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। और यहीं पर ग्राउंड है, बहुत अच्छी बात है, चार दीवारी के अंदर ही है। बिल्कुल, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। वैसे हमने सभी जगह सीसीटीवी लगाए हुए हैं, रूम्स में भी, हॉस्टल में भी और ग्राउंड में। जी अच्छा, वैसे हॉस्टल में भी कोई साथी रहते होंगे, हॉस्टल वार्डन वगैरह जो? हाँ, वार्डन रहते हैं, दो बंदे रहते हैं, एक आवास सिंह सर रहते हैं और एक संजीव जी रहते हैं। अच्छा अच्छा, और आपकी पूरी देखरेख रहती होगी यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। आप एक बार हमारे दर्शकों को ये और बता दें कि ये जो प्रॉपर एड्रेस, वैसे हमने अपने शब्दों में बताया लेकिन प्रॉपर एड्रेस आप बता। हमारा एड्रेस है सर, नियर सैनी स्कूल, कॉलेज रोड, महेंद्रगढ़। अच्छा, और बात करें यहाँ पर कोर्सेज की, तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते, कौन कौन से कोर्स? देहरादून जो एक ही है ऑल इंडिया में, जिसमें केवल हर 6 महीने में परीक्षा होती है और 25 सीटें ही रिजर्व हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। और जी हाँ, मिलिट्री स्कूल जो पूरे इंडिया में 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं, 2 कर्नाटक में हैं, 2 राजस्थान में हैं और 1 हिमाचल में है। इसके अलावा जी? इसके अलावा सैनिक स्कूल हैं जो स्टेट वाइज हैं, हमारे स्टेट में 2 हैं, राजस्थान में 2 हैं नियरेस्ट, दिल्ली में कोई नहीं है। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ इन सभी जगह पर आपके स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है? जी हाँ सर, अभी 2 बच्चों का हुआ है मिलिट्री स्कूल बेलगांव में। ये आपने अभी रिजल्ट बताया? ये 19 सितंबर को एग्जाम हुआ था जिसका रिजल्ट आया था। मैं समझ रहा था ये कोर्सेज हैं। जी नहीं सर, मिलिट्री स्कूल में जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो 19 सितंबर को हुआ था, जिसका रिजल्ट अभी पीछे आया है। उसमें 5 बच्चे अपीयर हुए थे जिनमें से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एक है राजस्थान से और एक अपने यहाँ लोकल मालाडा गाँव से। जी अच्छा, इसका आपने कुछ इश्तिहार पंपलेट वगैरह छपाया होगा? हाँ बनाते हैं सर, तो इश्तिहार वगैरह भी बनाते हैं। वो मेरे को देना, मैं थोड़ा डिस्प्ले में डाल दूंगा। जी सर, ठीक है सर। तो अभी हम नव आकाश अकेडमी महेंद्रगढ़ के खेल ग्राउंड में है, ये कैंपस है नव आकाश अकेडमी महेंद्रगढ़ का। सुरेश जी जो यहाँ के चेयरमैन है, उनसे हमारी मुलाकात हो रही थी, उन्होंने हमें यहाँ पर अपने ऑफिस में से होते हुए क्लासरूम्स को दिखाया और उसके बाद स्टूडेंट्स और टीचर से मिलवाया, उसके बाद हम आए यहाँ पर हॉस्टल को देखते हुए, किचन को देखते हुए इस खेल ग्राउंड के अंदर। एक अच्छा अनुभव है मेरा भी, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, वहीं हॉस्टल, वहीं क्लासरूम, वहीं की वहीं खेल ग्राउंड, वहीं ऑफिस, सारी चीज़ें एक जगह ही हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसा चाहिए। तो विशेष बात यही है कि जागरूकता फैलानी है अब आप लोगों को, आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि उन लोगों को पता पड़ सके, लग सके, चल सके, जिन लोगों को पता नहीं है कि हाँ महेंद्रगढ़ शहर के अंदर कुछ इस तरह का एक संस्थान है जिसके अंदर इस तरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं चार दीवारी के अंदर ही। तो वो आपका काम है, अब आप शेयर करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी लोगों को पता पड़ पाए। और सभी जो पेरेंट्स हैं जो इसमें अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं जो स्वयं आना चाहते हैं, उन तक ये बात पहुँचे और फिर वो यहाँ पर आएँ और इस तरह की सुविधा का लाभ उठा पाएँ। और अच्छे परिणाम अकेडमी यहाँ पर देगी तो 100% उनका सिलेक्शन भी मिलिट्री स्कूल, RAMC जो भी हैं उनमें होगा। यहाँ पर जब आप लोग आएँ, पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर आएँ, पूरी तसल्ली कर लें, पहले विजिट करें, अच्छे से तसल्ली कर लें, सर से मुलाकात करें। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं अच्छी तैयारी कर सकता हूँ या आपका बच्चा अच्छी तैयारी कर सकता है, यहाँ पर खाना या जो भी सुविधाएँ हैं वो सारी सुविधाएँ अच्छी हैं, तभी दाखिला लें। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।